नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया, जैसे ही वाराणसी कोर्ट ने काफी ज्यादा विवाद गहराता हुआ नजर आया और ये विवाद अब भी बढ़ता ही जा रहा है। इस सर्वे में नजर आया कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है और अब इस शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस भिड़ंत के बीच कई बड़ी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का जो दावा किया है हिंदू पक्ष ने, और इसी बीच कई ऐसे नेता राजनेता हैं जो विवादित टिप्पणी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सर्वे के बाद अब एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में अब हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद फेसबुक पर उन्होंने कई ऐसे पोस्ट किए और उनके पोस्ट को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की, और ऐसे में उन पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रोफेसर रतन लाल को शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया है। वामपंथी छात्र संगठन प्रोफेसर रतन लाल के पक्ष में खुलकर उतर आए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने ज्ञानवापी विवाद में रतन लाल को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, आईसा के बैनर तले छात्रों ने प्रोफेसर रतन लाल को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी के बाहर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा मचा हुआ है, जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद कई पॉलिटिशियंस अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की तस्वीर के साथ विवादित पोस्ट करना शुरू कर दिया और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, जिसके चलते हिंदू पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उनके इस पोस्ट के खिलाफ एक वकील ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में FIR दर्ज कराई थी और शुक्रवार की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और अब छात्र संगठन यहां पर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।